अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लैम्ब बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही स्पाइसी सी बिरयानी बनेगी, तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास 1 kg लैम्ब है, और ये मेरे पास जो है मसाले हैं, ये मेरे पास आलू बुखारा है, ड्राई आलू बुखारा, तेज़पात हैं 2 पत्ते, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, और क्रश चिली 1 टीस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये मेरे पास जो हैं वो साबुत मसाले हैं, इसमें सब्ज़ इलायची है, मैंने 10-12 दाने लिए हैं, जावित्री है थोड़ा सा पीस, और सिनेमन स्टिक्स हैं 3 मैंने लिए हैं, बादियान के फूल हैं ये मैंने 5 लिए हैं, मोटी जो ब्लैक इलायची होती है वो है, और तेज़पात और ज़ीरा, ज़ीरा भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अब सबसे पहले मैंने ऑयल रखा है, उसको थोड़ा सा मैंने गर्म किया है, और मैं उसमें ये जो मेरे साबुत मसाले हैं ये मैं थोड़े थोड़े से डालूंगी। अब मैंने तेज़पात डाला है, 2 बादियान के फूल डाले हैं, 1 इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, 2-3 दाने सब्ज़ इलायची के डाल दिए हैं मैंने, और ये जो सिनेमन स्टिक है वो मैंने ऐड की है, और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अब मेरा जो मसाला है वो फ्राई हुए हैं, और उसके बाद मैंने इसमें जो मेरा मीट है वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि जो मीट की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ये देखें, वो गोश्त हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है, तो अब ये जो मेरे साबुत मसाले हैं मेरे पास, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी, और ये देखें अब जो हमारा गोश्त है वो भी ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, उसने अपना कलर चेंज कर दिया, और अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ, साथ मैंने आलू बुखारा भी ऐड कर दिया है, और ये वो मसाला है जो हमने वो साबुत मसाले जो थे उनको ग्राइंड किया था, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर, थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि जो मसाले डाले हैं वो जले नहीं। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे, और ये मेरे पास टमाटर हैं, 2 टमाटर थे मेरे पास, उनको मैंने काट लिया है, और साई योगर्ट है 3 टेबल स्पून, वो मैंने ऐड की है, और अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है, और इसको मैं दम पे लगा दूंगी। मैं कुकर में कर रही हूँ तो मैंने 15 मिनट लगाया था, अगर आप वैसे बना रहे हैं कुकर के बगैर तो आप टाइम चेक कर लीजिएगा कि कितने टाइम में गलता है। अब मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, और देखें गोश्त जो है वो अच्छे से मेरा गल गया था, और उसने सारा ऑयल भी जो है वो छोड़ दिया है, तो अब हमारा जो बिरयानी मसाला है वो तैयार हो चुका है, उसको किया साइड पे, और अब मैंने ये पानी रखा था, मैंने पानी खुला रखा था, मैंने चावल जो थे मेरे पास 2 कप थे, तो मैंने बस हिसाब से पानी नहीं डाला, खुला पानी डाला है, और उसके अंदर मैंने 1 तेज़पात और बादियान का फूल और सिनेमन स्टिक जो है वो ऐड की है, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो ऐड की है। और अब इसमें मैंने जो है चावल वो डाल दिए हैं, और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड किया था। अब देखें मेरा जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो रहा है, तो मेरे चावल जो है वो भी रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। अब मैंने दोबारा से ये पैन रखा है, और इसमें मैं सबसे नीचे जो है चावलों की तह लगा रही हूँ,
और इसके ऊपर जो हमने वो लैम तैयार किया था वो मैं डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं सेकंड लेयर राइस की लगाऊंगी और इसके ऊपर दोबारा से मैं जो हमारा मीट है उसको डालूंगी। मैं ऊपर से मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज थी उनको मैंने काट लिया था तो वो मैंने डाला है। और अब मैं इसके ऊपर जी मेरे पास फूड कलर थे येलो एंड रेड, थोड़ा सा मैंने येलो ऐड किया और थोड़ा सा मैंने रेड ड्राई, इसको मैंने दूध या पानी के अंदर मिक्स नहीं किया, ड्राई मैंने ऐड किया। तो अब ये हमारे जो चावल हैं इनको मैं लगाऊंगी दम पे। इसको मैंने 15 से 20 मिनट दम पे लगाया था और देखें हमारे चावल जो हैं वो बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये कितना अच्छा कलर आया उसमें बिरयानी का, येलो रेड वाइट। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमारी बिरयानी हो गई तैयार, स्पाइसी वाली बिरयानी तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।